हेलो फ्रेंड्स, भाग 35 स्पीडी रेलवे जीके की बुक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, इससे पिछले वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं स्पीडी रेलवे जीके की प्लेलिस्ट पे और वहाँ पर आपको इससे संबंधित जो भी वीडियो अब तक अपलोड हुए हैं उन सबको आप देख सकते हैं। और इस बुक में से कितना पढ़ना है और कितना इम्पॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी बातें आप जान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला जो पॉइंट है हमारे सामने, पेज नंबर 106 से हम स्टार्ट करते हैं। भाग 35, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति, जो पावर होती है। देखिए, संविधान को एडिट करना मतलब उसमें चेंजेस करना, उस पर संशोधन करना, ये जो शक्ति, ये पावर होती है, कौन से आर्टिकल से संबंधित है। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपका आर्टिकल 368, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला पॉइंट है, भारत के केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी और सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1991 में। और वर्ल्ड वाइड वेब की आधारशिला टीम बर्नसेली ने मार्च 1989 में रखी थी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नरोजी थे। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और समुद्र के जल को आसवन प्रक्रिया के द्वारा या आसवन विधि के द्वारा क्या कराया जाता है, शुद्ध किया जाता है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी 1938 में। और चीन के संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। कौन सी देश की संसद को किस नाम से जाना जाता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, इसके पिछले पेजेस में आपको ये मिलेगा। अगर ये बुक आपके पास में नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बुक को मार्केट से जाके कहीं से परचेज कर लें। भारत में सूचना अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और NDA की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में अक्टूबर 1949 को हुई थी। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब बात करता हूँ विटामिन की, और विटामिन से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक के साइड में उन सभी बातों का प्लीज़ पेन डाउन करिएगा, लिखिएगा। देखिए, विटामिन की खोज किसने की थी आपको पता है इसके बारे में? विटामिन के खोजकर्ता कौन है आपको इसके बारे में पता है? वेरी गुड, अगर नहीं पता तो लिख लीजिए फंक। और विटामिन सी, विटामिन डी बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन विटामिन ए और बी दोनों के खोजकर्ता की पर्सनालिटी एक ही है, उसको भी आप लिख लीजिए। उनका नाम है आपका मैकुलन। बात करें डीएनए की खोज करी थी जेम्स वॉटसन एवं क्रिक ने, तो एग्जाम में मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है आपकी क्रिक की होती है। शायद जिसको एक्सपीरियंस है पहले से ही, काफ़ी टाइम से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इस तरह के एस्पिरेंट हैं, इस तरह के सब्सक्राइबर हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट होंगे उन सबका आप इसी क्वेश्चन के माध्यम से रिविज़न कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ आगे कि मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण जो हुआ था वो हुआ था 27 अप्रैल 1914 को, और भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, तो ये है आपकी 12, और डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी संसदों की माँ कहा जाता है, और नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है, बंगाल का आतंक जल कुंभी को कहा जाता है, चक्खा भारत एवं भूटान की सम्मिलित परियोजना है। उसके बाद विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध बिहार से है, और मधुबनी चित्रकला जो शैली है इसकी सबसे ज़्यादा अधिक जो आपने शायद सुना होगा नाम टीना डाबी का, सुना है आपने नाम? तो टीना डाबी को इस चित्रकला में काफ़ी रुचि है, जो IAS टॉपर है, याद आया? चलिए, तो इनका एक बार इंटरव्यू वगैरह मैंने देखा था, तो वहाँ पर इन्होंने इस सारी शैली का चित्रकला का वर्णन किया गया था। इनकी ड्राइंग ये चित्रकला काफ़ी अच्छी है, मधुबनी पेंटिंग का काफ़ी शौक है इनको, और इसका संबंध है आपका बिहार से। भारत में सबसे अधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है, जिसमें
जिसकी जो गर्मी होती है, ताप होता है, बहुत अधिक होता है इस कोयले का। और भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज करी थी 1860 में, कहाँ कहाँ पर, असम में हुई थी। जल विद्युत को व्हाइट कोयला भी कहते हैं, श्वेत मतलब सफ़ेद कोयला, क्योंकि जल से क्या होता है, बिजली बनती है, बिजली मतलब कोयला, कोयला मतलब सफ़ेद कोयला। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में अवस्थित है और अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर क्या है, बंदरगाह लोथल था। और भारत का पहला मानचित्र को एनविले ने 1952 में बनाया था। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। अब देखिए इसी में हमको सेंटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए निर्वाचन आयोग स्थापना वर्ष 1950, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, यूपीएससी 1950, योजना आयोग 1950। अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं योजना आयोग के, पता है आपको, प्रधानमंत्री। अभी योजना आयोग का नया नाम क्या हो गया है, नीति आयोग, राइट। नीति की फुल फॉर्म क्या है, एक बार आप इसका रिविजन अपने मन में कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, राइट, नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी सारे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं और काफ़ी ये इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूं, वित्त आयोग 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। तो अगर योजना आयोग का नया नाम रखा गया था, नीति आयोग हमारे मोदी जी ने रखा था, हमारे एक्चुअली मेरे के घर के नहीं है मोदी जी, ठीक है, मतलब कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका नाम परिवर्तन करके नीति आयोग करा था 1 जनवरी 1915 को। नीति की भी अलग से एक फुल फॉर्म है, अगर आपको याद नहीं है तो इसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको साइंस से मिल जाएगी, उसको याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत अधिक है। बात करते हैं पड़ोसी देश के बारे में, हमारे पड़ोसी देश बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है उसमें पाकिस्तान, जी हाँ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में 4 स्टेट टच होती हैं भारत की, एक होती है गुजरात, ये गुजराज नहीं है ये गुजरात है, इस बुक में टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। अगला है बांग्लादेश, बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें पेज भी फिलहाल इतना। बढ़ते हैं पेज नंबर 107 की ओर, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका लिम्नोलॉजी। और WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन क्या होता है, वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, मतलब विटामिन सी, विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर आप किसी भी चीज़ को किसी भी आँच पर पकाते हैं, गर्म करते हैं, तो सब्जी में से एक्चुअली सबसे अधिक विटामिन कौन सा नष्ट होता है, तो वो होता है विटामिन सी। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है। आगे बात करते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र को जेम्स ए हिक्की ने लॉन्च किया था, शुरू करा था। नेक्स्ट पॉइंट है रत्नावली, हर्षवर्धन की रचना है। सूफी संतों के निवास स्थान को खान कहा कहा जाता है। हीरे में कार्बन परमाणु चतुष्फल के रूप में होता है। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने किया था। इकेबाना फूलों की सजावट जापानी रूप है। और रणजीत सिंह सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टीम बर्नर्स ली ने किया था। जवार का संबंध लोकायत दर्शन से है। और वर्तमान में भारतीय रेलवे में जोन कितने हैं, तो ये है 17 जोन। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। ब्रेल लिपि की खोज लुईस ब्रेल ने की थी। और संसद के दो सत्रों के बीच में कम से कम 6 मंथ का गैप होना चाहिए। भारत में अधिकतम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन। और हॉटमेल का सर्जन समीर भाटिया ने किया था। अगला पॉइंट है आपके सामने कि राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। और राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना आवश्यक होता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और चीन ने किया था। और राशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 12। राशि हम कौन सी बोल रहे हैं, मकर, मीन, कुंभ, ये सब जो राशि होती हैं जो आप पंडित जी के पास जाते हैं उन राशि की बात कर रहे हैं। हमको अपनी अपनी राशि के बारे में पता होता है, जैसे मेरी वृश्चिक है, किसी आपके फ्रेंड की मीन होगी, किसी की कुंभ होगी, किसी की मकर होगी, किसी की कन्या होगी, तो ये राशियों की कुल संख्या होती है 12। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, आप इसको याद रखिएगा। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट होती है। स्वराज आंदोलन का प्रारंभ बाल गंगाधर ने किया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम क्या है, अलाई दरवाजा।
भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और भारत के संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार बी एन राव थे। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव शासकों ने की थी। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरोजिनी नायडू ने। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गांधी जी जो फेज रहा है आपका, जो ये गांधी एरा जो रहा गया है, इसमें क्या क्या इन्होंने एक्टिविटी करी, वो सभी वर्ड्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, टिप्स पे आपको ये भी याद होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है ये, तो मैं आपको कम से कम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि इनका भारत में जो वापस आए थे ये कौन से वर्ड्स आए थे परमानेंट, ये आए थे 1915 में। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, और असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, मतलब इसको कैंसिल करा था 1922 में। चोरी चोरा कांड जो हुआ था उसके रीजन इन्होंने क्या करा था, असहयोग आंदोलन को कैंसिल करा था। बात करेंगे गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था 1931 में। तो ये गोलमेज सम्मेलन कौन सा था, इन्होंने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अंबेडकर के साथ में। और गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता था, ये होता था इंग्लैंड में। उसके बाद में गांधी जी को गोली मार दी गई थी 1948 में। किसने मारी थी, नाथुराम गोडसे ने। और देखिए ये सब जो फेज मैंने आपको भी बताए थे, क्योंकि मेरे माइंड में मुझको याद है, मैंने इसलिए आपको तुरंत टिप्स में याद थे, मैंने आपको फटाफट बता दिए। यही चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आती हैं आपको प्रैक्टिस करने से, मैक्सिमम रिविजन करने से। गॉट इट, समझ गए मेरी बातों को कि मैं किस और आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपके सामने ये सभी वीडियो जो प्लेलिस्ट में होंगे वो सभी बेकार हैं। आपके घर में रखी हुई ढेर सारी बुक जो आपके सामने अभी विराजमान है वो वैसे ही विराजमान रहेंगी आने वाले कई सालों तक, जब तक आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो किताबों के ढेर पर बिलीव मत करिए, ढेर सारे वीडियो को वॉच करने पर बिलीव मत करिए, ढेर सारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर बिलीव मत करिए। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। क्या खाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पचाया इंपॉर्टेंट ये है। पार्टी में हम खाते सुबह शाम बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, पेट खराब हो जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि हमारे बॉडी में जो बैलेंस था खाने का वो हम नहीं बना पाए। उसी तरह से स्टडी में भी ये चीज़ अप्लाई होती है। स्टडी में हम ढेर सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमको कितना पढ़ना है सिलेक्टेड, हमको कितनी चीज़ें याद करनी है टिप्स पे, वो सब हमको नहीं पता होता। तो मेरी बातों को शायद आप लोग समझ गए होंगे। मैं बढ़ता हूँ अगले पॉइंट की ओर। काफ़ी सारे बच्चों के शायद आज कमेंट आने वाले होंगे, सर आप बहुत यहाँ वहाँ की बातें करते हो। बच्चों, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ कि मैं आपके इशारों पर नाचूं, जैसा आप बोलें वैसा करूं। मैं फ्लेक्सिबल जो भी चीज़ें मुझे लगती हैं वो मैं आपको बताना बेहतर समझता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप कट टू कट पढ़ाया करो ना, वीडियो क्लोज कर दिया करो। क्यों भाई, ऐसे तो काफ़ी सारे चैनल हैं दुनिया भर के, आप उनको फॉलो कर लीजिए, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए जो कट टू कट पढ़ाते हैं। तो फिलहाल जो चीज़ मुझे लगेगा कि हाँ मुझे बतानी चाहिए, जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जो पॉइंट आएगा मैं वहाँ पे आपको वो चीज़ ज़रूर नोटिस करवाऊँगा कि हाँ आपको वो चीज़ पेन डाउन करनी है, लिखनी है वगैरह वगैरह। बढ़ते हैं आगे। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन कला में निपुण था। मानव में गुर्दे का रोग होता है, कैडमियम के प्रदूषण से, और देश की पूजा ही राम की पूजा है। ये जो कथन था ये था मदन लाल ढींगरा का। भारत का प्रथम सोर शहर होता है आनंदपुर साहिब। और भारत में पशु संबंधी अनुसंधान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है आपके करनाल हरियाणा में, और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर राजस्थान में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान है आपका हिसार हरियाणा में। मांस अनुसंधान है आपका इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फसल का नाम और उनके रोग। जो एक रोग होता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है, मोजेक रोग किस फसल से संबंधित है? केला, टमाटर, नींबू, बादाम, चार ऑप्शन आपको देगा, आपको याद रखना है। केला, टमाटर का जो रोग होता है वो होता है पत्तियों में ऐंठन, बादाम रेखा पैटर्न, पपीता मोजैक, तिल फिलोडी। जीवाणु जनित पादप रोग सूडोमोनास आलू का सेंथिल रोग है। एग्रोबैक्टीरियम ये है क्राउन कॉल, एंड जैंथोमोनास स्ट्रिटी नींबू का कैंकर।
अब बात करते हैं जिंक की कमी से धान का खैरा रोग होता है, मैग्नीज की कमी से मटर का रोग होता है जिसका नाम है आपका मार्स रोग, नींबू का डाईबैक रोग होता है, कॉपर की कमी से नींबू का लिटिल लीफ रोग होता है, कॉपर की कमी से आम का लिटिल लीफ रोग होता है, जस्ते की कमी से। पेज नंबर 108। शिक्षा जो है कौन सी सूची से संबंध रखता है, तो ये रखता है आपका समवर्ती सूची से। यूएसए की राजधानी पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। पुस्तक टू लाइन्स के राइटर कौन है, विक्रम सेठ, और भारत के पहला रक्षा मंत्री रहे थे बलदेव सिंह। वीपी सिंह वह प्रधानमंत्री थे जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ मतलब वोटेड आउट कर दिया था। उकाई परियोजना गुजरात राज्य में है, और महात्मा गांधी को बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। सेल की स्थापना 1974 में की गई थी। लोक हितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर क्या होती है, अधिक होती है। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है, और भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। सुंदरवन के जंगल को मैनग्रोव कहा जाता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक एसिड, और द लॉस्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक है मुल्कराज आनंद। विश्व विकास रिपोर्ट यूनिसेफ का एक वार्षिक प्रकाशन है। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत के आपस में क्या करता है, उसको जोड़ता है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। भारत में पहला सूफी संत ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती है। झूलन गोस्वामी का संबंध है क्रिकेट से, और मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में अधिकार किया। बंगाल का पहला गवर्नर वॉरेन हास्टिंग था, और एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए जो परीक्षण है, डॉक्टर एलेक जेफ्रीस द्वारा विकसित किया गया था, और फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। तो फ्रेंड ये मूवी है गांधी के नाम से, उस मूवी को आप देखना एक बार, उसमें आपके काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं कवर हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गांधी फेस अगर आपको पढ़ने में काफ़ी बोरियत लगती है तो मूवी के माध्यम से आप वो सब चीज़ें याद कर सकते हैं। बात करते हैं इबन बतुत्ता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और ये कहाँ का निवासी था, कहाँ का ट्रैवलर था, तो ये था आपका कहाँ का, मोरक्को का। नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध है, और विली विली ऑस्ट्रेलिया की पवन होती है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल जो है वो है आपका नाभिकीय बल। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आत्मकथा एक पुस्तक है ये, द इंडियन स्ट्रगल, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है सुभाष चंद्र बोस। भारतीय दंड संहिता 1862 में लागू की गई थी। और उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा सेंटर में क्या क्या है, ग्रीन देखते हैं। देखिए न्यूमिसमैटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। एपिकल्चर में मधुमक्खी का, हॉर्टिकल्चर में फलों का, पेसिकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन, ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन, सिल्वी कल्चर में कास्टी पेड़ों का संवर्धन। बात करते हैं पीएच मान की, मोस्ट 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 टॉपिक है ये आपका एग्जाम में। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है एग्जाम में ये पूछता है, तो ये होता है 7। दूध का होता है 6.4 से लेकर के 6.6 तक। लार का होता है, लार मतलब मनुष्य की लार, उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक। मूत्र का 4.8 से 8.4 तक। रक्त मतलब ब्लड का, मनुष्य के ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। नींबू के रस का होता है 2.2 से लेकर के 2.4 तक। सुएज नहर ये जो है विश्व की प्रमुख नहर है, भूमध्य एवं लाल सागर अवस्थित है। यहाँ पर कील नहर उत्तरी और बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं सिद्धांत के बारे में। शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था अद्वैतवाद सिद्धांत। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत, निम्काचार्य द्वैत द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धोदात। तो फ्रेंड पेज नंबर 109।
महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था। संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और कामागाटा मारू को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। ये जहाज का नाम है, याद रखना, ये एक शिप है। तो ये जो किराए पर लिया था, ये लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने। वेलिंगटन ट्रॉफी हॉकी खेल में दी जाती है और कराची अधिवेशन दिसंबर 1943 में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। तो एग्ज़ाम में आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये नारा बांटो और छोड़ो का नारा कौन से अधिवेशन में दिया गया था, तो ये दिया गया था कराची अधिवेशन में। या पूछेगा आपसे कब दिया गया था, दिसंबर 1943 में, और किस लीग ने दिया था, तो ये दिया था मुस्लिम लीग ने। तो ये तीनों चीज़ें ही आपको याद करनी है। बॉम्बे राज्य का विभाजन जो हुआ था, विभाजित करके 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात नए राज्यों का निर्माण किया गया था। मोबाइल फोन का आविष्कारक डॉक्टर मार्टिन कपूर को माना जाता है। रक्तचाप सबसे अधिक निलय में होता है। नटराज की प्रसिद्ध जो कांस्य मूर्ति है, वो चोल कला का एक एग्जाम्पल है। ब्याज दर का जो आप देखते हैं, होम लोन इतना, इंटरेस्ट रेट इतना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो डिसाइड होता है वो केंद्रीय बैंक मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। और सुलभ मुद्रा से तात्पर्य है आपका ब्याज की कम दर। जी हाँ, जो मुद्रा आपको आसानी से प्राप्त हो सके उसको बोलते हैं ब्याज की कम दर। भाई आप पैसा कब लोगे बैंक से, जब ब्याज रेट क्या होगा, कम होगा। ब्याज की दर क्या होगी, कम होगी, तभी तो आपके लिए वो काफ़ी इजी मनी कहलाएगी। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 10% या 50% होगा, तो आपके लिए वो मनी क्या होगी, डिफ़िकल्ट मनी हो जाएगी। दुर्लभ मनी कहते हैं हम लोग जिसकी ब्याज की दर अधिक होती है। अगर ब्याज की दर कम होती है, उसको बोलते हैं सुलभ मुद्रा। वह स्थिति, अगला पॉइंट है, वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगला पॉइंट हम देखते हैं, चलिए यहाँ पर, कि अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय होता है प्रतियोगिता की उपस्थिति, समुद्री शैवालों में आयोडाइड होता है, और हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो होती है 4%, और रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क मतलब एड्रेनल ग्रंथि करता है। सबसे पहले कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। कपास की खेती होती है काली मिट्टी में, मैक्सिमम कपास पाई जाती है आपकी कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अगला जो पॉइंट है वो इसकी कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, और उसके बाद में सेंटा क्लॉज, जो कि आप कहते हैं जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे, आप सुना होगा ये सेंटेंस, आपका क्रिसमस आने वाला है, तो उसमें जो सेंटा क्लॉज है उसका रियल नेम क्या है, उसका नाम है सेंट निकोलस। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। सिनेमा का आविष्कार JL लुमियर ने किया था, कब, 1985 में। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, और केरल के तिरुवनंतपुरम को भारत के फर्स्ट टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है। संसार की सबसे ऊंची टावर कौन सी है, बुर्ज खलीफा। अब हम बात करते हैं सेंटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्थल स्थिति देश, बंकिंगम पैलेस कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका लंदन में, यूके में। हाइड पार्क लंदन यूके, इंडिया हाउस लंदन यूके, पेंटागन वाशिंगटन यूएसए में, और वेटिकन इटली में, बेलिंग स्ट्रीट यरूशलेम इज़राइल में, व्हाइट हाउस इंपॉर्टेंट है, व्हाइट हाउस वाशिंगटन यूएसए में। उसके बाद विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, तो मुसोलिनी को ड्यूस कहते हैं, फ्यूरर एडॉल्फ हिटलर को बोलते हैं लिटिल कार्पोरल। तो ये बोलते हैं नेपोलियन को, लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को बोला जाता है। अब देखिए पेज नंबर 110। देखिए आइनू जनजाति का संबंध जापान से है। डी डे 6 जून 1944 को जाना जाता है, जब द्वितीय मतलब सेकेंड जो वॉर हुआ था वर्ल्ड वॉर के दौरान मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से 1945 तक के बीच में, पहला 1914 से 1918। कभी कभी यह वर्ड सबसे एग्जाम में पूछ लेता है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सबसे पहले माइकल द बैकी ने 1967 में किया था। और मानव के कुल रक्त आयतन में लगभग 60% प्लाज्मा होता है। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को डाई यूरेटिक कहते हैं। विलियम जॉन्स ट्रॉफी बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। हरेक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था, और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम को
निषेध किया गया है, मतलब बाल श्रम पर रोक लगाई गई है, कि उसे एक पानी के प्रवाह का मापक यंत्र होता है। बाबू कुंवर सिंह जमशेदपुर के जमींदार थे, जगदीशपुर के क्या थे, जमींदार थे। अम्लीय जठर रस का पीएच वैल्यू होती है 1.5। और भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूरेनियम में भारी तत्वों को ट्रांसयूनिक्स कहा जाता है। नील नदी का युद्ध हुआ था 1798 में और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। किडनी स्टोन में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो किडनी में जो स्टोन होता है, अगर स्टोन निकाला जाता है तो उसमें होता है कैल्शियम फॉस्फेट। हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमारे बॉडी में स्टोन होता है वो किस प्रकार का बना होता है, तो वो बना होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट का। सोल्डर टीन और सीसा धातु का मिश्रण होता है और बादल अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हुए दिखाई देते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। प्लासी का वॉर का मैदान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, इन दोनों का आपस में मर्ज किया था। अकबर नामा के लेखक अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। और अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा सेंटर में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए कांग्रेस की स्थापना इम्पॉर्टेंट है, कब हुई थी, 1885 में एओ हुम के द्वारा। अब हम बात करते हैं थोड़ा वेतन, राष्ट्रपति का जो सैलरी होती है वो होती है आपकी कितनी, 150,000, उपराष्ट्रपति की 125,000, ये दो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अनिवार्य न्यूनतम आयु, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एज के बारे में डिस्कस करा था, राज्यपाल के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। उसके अलावा अब हम देखते हैं यहाँ पर उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति की 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष, राज्यपाल की 35 वर्ष, लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए 30 वर्ष कम से कम। देखिए सदस्यों की संख्या के बारे में हम बात करते हैं, प्रमुख संस्थाओं के सदस्यों की संख्या, संविधान सभा 389, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानसभा, अधिकतम न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। और ये संख्या फ्लक्चुएट हो भी सकती है क्योंकि कोई भी संशोधन होता है, तो स्टैंडर्ड आप 2017 का वीडियो देख रहे हैं अभी या फिर आप 2019 में ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये डाटा वैसे फ्लक्चुएट नहीं होता आसानी से, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस रखना, अपडेट है ना इस चीज़ से खास तौर पे। अब हम बात करते हैं फिलहाल 111 पेज नंबर है। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। वायु में CO2 की मात्रा 0.03% होती है। उसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया था, 1976 में। कौन सा संशोधन था, कौन से नंबर का संशोधन था, तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। मराठा शासक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। हम बोलते हैं ना कि तुझे काला पानी भेज दूंगा, तुझे काला पानी भेज दूंगा, मूवी में आपने डायलॉग सुना होगा, तो ये कहाँ पर है एक्चुअली, ये है आपके सेलुलर जेल का एक अन्य नाम है आपका काला पानी। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी कैदी को एक अंधेरे एक बॉक्स में रखा जाता है, एक्चुअली वो बॉक्स ही होता है, बहुत छोटा बॉक्स। शायद आपने सबीर भाटिया वाला जो एक मूवी वगैरह आई थी ना उसको देखा होगा, और काफ़ी सारी ऐसी मूवी बनती हैं जहाँ पर छोटा सा मतलब एक कमरा होता है अंधेरे में, उसको रखा जाता है, तो वो मूवी का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। उसमें ऐश्वर्या रॉय ने अपना वो करा है, अभिनय करा है, और हीरो का नाम मुझे याद नहीं है। अगर वो वीडियो आपने देखी होगी, सॉरी वो अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको अच्छे से याद होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो काला पानी भी कुछ उसी तरीके की एक सजा होती है। अगला पॉइंट आपके सामने कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक स्वामी विवेकानंद को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और बात करें महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। और अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। और ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। केसरी समाचार पत्र को बंगाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था। फ्यूज कतार टीन और सीसा की मिश्र धातु होती है, उसके द्वारा बनाया जाता है फ्यूज कतार। विश्व
डेजर्टिफिकेशंस उन्मूलन दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था और पंचशील समझौता का संबंध है भारत और चीन से। भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नमक और बालू के मिश्रण को पानी में घोलकर अलग किया जा सकता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या चिकित्सा संबंधी आविष्कार आविष्कारक और आविष्कार। आरएनए की जो आविष्कार करा था उसकी खोज करी थी वो करी थी आर्थर अर्ग तथा जेम्स वाटसन ने। डीएनए की खोज की थी जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पोलियो का टीका जॉन सी सॉल्क। विटामिन का आविष्कार करा था फंक ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विटामिन का आविष्कार करा था फंक ने। विटामिन ए मैकुलन ने। विटामिन बी मैकुलन। विटामिन सी यूजो कॉट हॉलकट। विटामिन डी हॉपकिंस। हैजे का टीका जो हैजा होता है हैजे का टीका का आविष्कारक थे रॉबर्ट कोच। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैक्सिमम जितना आप अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपकी कोई भी राय अगर कमेंट बॉक्स आपको इनेबल मिलता है तो आप अपना कमेंट्स मुझे कर सकते हैं। आई थिंक कमेंट्स आपको इनेबल इस वीडियो में शायद ना भी मिले। तो जैसा भी है वो छोड़िए, आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिएगा। ईमानदारी से पढ़िए, वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा तभी हम बढ़ेंगे। तैयारी अभी से करिए तब जाकर सिलेक्शन होगा। जुट जाइए तैयारी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।